अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग जी। आज हम लोग व्लॉग काफ़ी लेट बना रहे हैं, वो उसकी वजह बस ये थी कि घर के काम करते थे तो बस टाइम ही नहीं मिला। तो रहीम आज बना रहे हैं शलजम। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रहीम शलजम कैसे बना रहे हैं। ये जी रहीम बना रहे हैं शलजम। ये देखें जी, रहीम ने कहा कि आज मैं सबको डाल के बनाऊँगा। ये रहीम बना रहे हैं, बीच में आलू भी डाल रहे हैं, शलजम है, और ये रहीम साहब है, और ये मिकाइल साहब है। नहीं अभी भूनने दे, अभी नहीं डालना, अभी भूनना है, भूनने के बाद है ना। नहीं नहीं देख लो जैसे बेहतर लगता है। हाँ वैसे हल्के चूल्हे पे चढ़ा दो, हो जाएगा। हाँ कुकर लगा दो। ये रहीम ने बड़े अच्छे शलजम बनाए, जब इसकी फाइनल लुक होगी दिखाऊँगी आपको। हम साथ रोटियों में देसी घी लगाएंगे, साथ सब्ज मिर्च। हाँ साथ में सब्ज मिर्च होगी। हम जब भी शलजम बनाते हैं तो सूखी रोटी पे ना देसी घी चौपड़ के, चौपड़ के कहते हैं ना, चौपड़ी रोटी रहीम कहते हैं इसको, चौपड़ी इनके पंजाबी है, चौपड़ी रोटी खाते हैं। तो बनाऊंगी साथ में। मिकाइल मोबाइल पहले पकड़ लें। तो आज इतने बर्तन थे, ये मैंने अभी धोए हैं सारे बर्तन, अभी फिर ये पड़े हुए हैं। दो बर्तन ना मेरे कबाड़ा हो गया। ये शाल है, शाल अस्सलाम वालेकुम करो। इधर देखो ना मामा की शर्ट तो छोड़ो, चिकन करो बेटे, चिकन भी करो, ऐसा है भी करो, है ही करो। नहीं करना शाल के उजड़ा चमन बाल देखो सिर्फ। शाल ना पता नहीं क्या ऐसी गंदी आदत है, पोने नहीं बनाती शाल, पोने नहीं बनानी आपने, क्यों नहीं छिड़कती पोने बनाना। इधर देखो ना मामा की तरफ शाल, क्या खा क्या पी कर रही अभी उदू। अच्छा मामा को छोड़ो, क्या कुकर रहीम साहब देखें कुकर लगा रहे, रहीम को कुकर लगाना भी आता है। रहीम पानी कितना डाला है? थोड़ा डाला। नहीं मुझे दिखाएं पहले। नहीं डाला यार। आप साफ करना डालो, इसलिए कह रहे हैं कि वो फिर बस। हाँ ये पानी डाला ना कि वो हो जाएगा ना, गलते भी थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि मेरे कुकर की रबड़ ख़राब है। तो ये कुकर इतना बड़ा कि इसकी रबड़ आसानी से मिलती ही नहीं है, दूसरा कुकर अब चलता नहीं है, मतलब जगह चाहिए होगी ना। ये रिंग लाइट पे कलर लाल लग के चेक करी शायद। मिकाइल रिंग लाइट नहीं छेड़नी, ये मिकाइल साहब जो है ना, ही नहीं नहीं ये मिकाइल जो है ना, मिकाइल साहब जो है ना, ये कौन है? आई बोल दो। अच्छा जी रिंग ने ये सारा रख दिया और मैं बनाने लगी रोटी। तो मैं रोटी बनाऊंगी और ये सब ले चले हैं, और मैं साथ साथ रोटी बनाऊंगी, साथ साथ रोटी देसी घी में बनाऊंगी। शाल बेटे नहीं करो, खाते चाहिए क्या? शाल में रोटी बनाती, शाल की रोटी इतनी सी होती है, आप बताओ मैं रोटी बनाती हूँ, आप बताओ मैं रोटी बनाती हूँ। शाल क्या बनाती हो आप? अभी बनाती हो, बताओ ना। नहीं नहीं पियो शलजम के साथ है, शलजम के साथ जो मजा आता है ना देसी घी का, हो गया आटा बारी है सर, देसी घी की रोटी का कम नहीं होता। मैंने सोचा आप लोगों से ब्लॉग शेयर करो, रहीम ने सारे मसाले सारे डाल कर ना बड़ा अच्छा आने की इच्छा है डेट करिए। ये देखो ये कौन है, ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, करेंगे हम लोग गोल गप्पा चैलेंज इंशाल्लाह। गोल गप्पा क्या नहीं मैं क्या को तुम जरा को स्पाइसी सा हो, स्पाइसी तुम खाते नहीं हो ना? मैं स्पाइसी खाती नहीं, देखो पता मैंने तो जरा सा खाना तो मैंने बस कर दिखाई मैं रोटी इसके दाम देखे चूहे के, इसके दाम देखे मेरे शहजादे के। ये मेरी रोटी रोटी देखे, मेरी रोटी गोल 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 रखी।
आटा भी मैंने पहले गूंथ लिया था साफ साफ। बिल्कुल इससे पहले गूंथ लिया मैंने, किचन साफ कर दिया, सारा किचन साफ कर दिया, मैंने घंटा डेढ़ कर दिया। मोटर घर से भी चली थी तो पानी भी था, तो पानी आया नहीं सुबह, चली मोटर तो मैंने घर से पहले था, किचन साफ कर दूँ, सब्जी वगैरह काट के रखे थे, ये देसी घी है, और रोटी बना के ना मैं तो देसी घी को ना ऐसे चुपट देती हूँ, ये ऐसे करके ना रोटी लगा देती हूँ, फिर इसी के ऊपर रोटी रखती रहती हूँ, रोटी रखती रहती हूँ। एक तो रोटी हैवी हो जाती है खाने में, लेकिन बहुत मज़ा आता है सब्जी मसाले खाने में, मसाले रोटियाँ छोटियाँ बना लूँ, रहीम ने ये सालन बनाया और देखिए यार कितना ज़बरदस्त सालन है, सही मतलब वो कहते हैं ना ग्रेवी वाला सालन है। रहीम को ऐसे ना थोड़ा सा ढीला ढीला पसंद है, सख्त नहीं खाते, कहते हैं उसे नहीं वो खाया जाता। ये बच्चे दोनों बैठे हुए साथ, और ये हम साथ हरी मिर्च खाएंगे, और ये जी हमारी रोटी है। शाल ने रोटियों को देखो क्या हाल किया, ये रोटी है, और इमने हीटर लगाया, मेरे बाजू में दर्द हो रहा था, मुझे कह रहे थे कि आप छोड़ो, रहीम ने आंडी बनाई है, चाय भी बनाया मेरे लिए, ये क्या, ये मिर्ची आप नहीं खा सकती। ओहो अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा जी। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, रे अल्लाह हाफिज़ करो। ओके जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करो, मुकायर मुकायर रोटी खा रहा है।